हेलो दोस्तों, अभी जो है वो सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं जो हूँ वो आपको दिखाने जा रही हूँ कि मेरे घर की कंडीशन क्या हो रही है मेरे हस्बैंड की यूनिवर्सिटी जाने के बाद। तो हम देखते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ देख सकते हैं कि उन्होंने खाना खाने के बाद अपना बॉल जो है वो वैसे ही छोड़ दिया नूडल्स खाने के बाद, और यहाँ उन्होंने लीची खाई थी और ये टिश्यूज यूज किए थे। उसके अलावा रात को कुछ जंक फूड खाया था, वो भी वहीं पे पड़े हैं उसके रैपर्स। उसके बाद हम बेड देख सकते हैं, और अब ये दूसरी तरफ हम देख सकते हैं उनकी कुछ मेडिसन हैं जो उन्होंने दी हैं, और उन्होंने वो भी ऐसी छोड़ दी है मेरे लिए। पानी की बॉटल भी ऐसी ओपन छोड़ दी है मेरे लिए कि मैं ये सारी चीजों को तरतीब से लाऊं। साथ उन्होंने कपड़े बदलने के बाद यहाँ पे कपड़े भी छोड़ दिए हैं, वैसे ही टावल भी छोड़ दिया है, वैसे ही सब कुछ मेरे लिए उसी तरह से छोड़ दिया है कि सारी चीजें मैं मैनेज करूँ। मैंने कुकिंग की थी तो यहाँ पे भी कुछ मैसी मैसी सा हो रहा है, तो मुझे इन सारी चीजों को मैनेज करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने हस्बैंड की इस तरह से हर चीजों को बिखेरने के बाद और फैलाने के बाद मैं किस तरह से इसे क्लीन करती हूँ, और जब तक वो वापस नहीं आते हर चीज वैसे ही क्लीन रहती है, और जब वो वापस आते हैं तो उसके बाद सेम सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे पहले जो हूँ मैं अपनी अम्मी को फोन करना चाहूंगी, तो मेरा दूसरा मोबाइल हम ढूंढते हैं अगर हमें मिल जाए। ये रहा, तो अब जो है सबसे पहले मैं अपनी अम्मी को फोन करूंगी, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। और कॉल लगाते लगाते मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे उन्होंने ये नेल कटर यूज किया था और वो भी यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ है। अब जो है वो सबसे पहले मैं पानी बॉयल करूंगी क्योंकि मेरे पास जो है वो पानी खत्म हो चुका है। मैंने पानी जो है वो ले लिया है, इसे मैं यहाँ पे रखूंगी और उसके बाद फिर बस इसे स्टार्ट कर दूंगी और ये खुद से बॉयल होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे इसकी लाइट दिखाती हूँ, देख सकते हैं कि इसकी लाइट जो है वो ऑन हो गई है और इसमें से आवाज आनी शुरू हो चुकी है, इसका मतलब ये जो है वो बॉयल स्टार्ट हो चुका है। और जब ये बॉयल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये खुद ही ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह के कैटल्स जो है वो चाइना में बहुत ही नॉर्मल सी बात है। सबसे पहले मैं इनके कपड़े जो है वो मशीन में डाल देती हूँ। लेकिन मशीन में डालने से पहले मुझे हमेशा इनकी पॉकेट चेक करनी होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे हस्बैंड की जेब से, या चाइना में किसी भी बीबी को अपने हस्बैंड की जेब से रेयरली ही कैश मिले, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। मोस्टली जो है वो यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, तो आप जब पॉकेट चेक कर रहे होते हैं वो मैं सिर्फ इस पर्पज से चेक कर रही होती हूँ, क्योंकि ये अक्सर टिश्यू वगैरह रख के भूल जाते हैं, या कोई अगर इन्होंने कोई चीज खाई होती है तो उसका रैपर वगैरह जो है वो इसके अंदर रह जाता है, तो बस वही निकालने के लिए मैं चेक कर रही होती हूँ। बाकी कैश की कोई उम्मीद नहीं है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर बीबियों को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं पॉकेट के अंदर से, लेकिन यहाँ ऐसी कोई होप नहीं है। तो अब इनकी पॉकेट्स वगैरह चेक करने के बाद मुझे ये मेडिसन और ये जो है वो टिश्यू मिला है, क्योंकि कुछ दिनों से इनकी तबीयत जो है वो सही नहीं है, इनका गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इन्होंने मेडिसिन वगैरह दी हुई थी, तो बस यही इनकी पॉकेट से मुझे मिला। यहाँ पे पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है, हम देखेंगे खुद ही से ऑफ हो जाएगा। खाए का मतलब होता है ओपन और क्वान का मतलब होता है क्लोज। अब ये जो है वो अभी खाए की तरफ है, अब ये थोड़ी देर में खुद ही जो है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि क्लोज। हम देख सकते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है और पानी जो है वो बॉइल हो चुका है। अब जो है वो मैं इनके कपड़े वॉशिंग मशीन के अंदर डालूंगी। मैं इनके कपड़े जो है वो इसके अंदर डाल देती हूँ।
अब यहाँ पे मैं इनकी मेडिसिन जो है वो सारी जो है वो पैक करके अंदर रख दूँ। अब मेडिसिन जो है वो मैंने ड्रॉर के अंदर रख दी सारी जो भी थी बाहर। लैपटॉप, ये बॉल, और मेरा कैचर जो है वो इन्होंने यहाँ रख दिया था और मुझे इतनी देर से मिल नहीं रहा था। उसमें अभी भी कुछ स्पाइसी जैसी चीज़ मौजूद है। अब मैंने बेड जो है वो ठीक कर दिया है और मैं जो है वो डस्टिंग करूँगी। अब जो है वो मुझे गंदे बर्तन धोने हैं तो पहले मैं बर्तन धोऊंगी, उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो सफाई करूँगी यानी कि झाड़ू पोछा वगैरह। फर्स्टली जो है वो मैंने डस्टबिन का कवर चेंज किया है और मैं जो हूँ वो इस कचरे को गेट के बाहर रखूँगी। अब हम सारी जगहों को देख सकते हैं कि मैंने हर चीज़ जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दी है और सेट कर दिए, बर्तन भी धो दिए हैं, झाड़ू पोछा भी कर दिया है, बिस्तर भी ठीक कर दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का वेदर। हम जो है वो विंडो ओपन करेंगे, हम जो है बाहर का व्यू देख सकते हैं।